हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैंड गेमिंग में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में आप अलग सर्वर की आईडी को किस तरह से ओपन कर सकते हो। तो गाइज अलग सर्वर की आईडी को ओपन करने के लिए जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसको आपको 1% स्किप नहीं करना है, यानी कि मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर से देखना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप अलग सर्वर की आईडी को ओपन नहीं कर पाओगे। तो गाइज वीडियो को जरूर से पूरा देखना। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। एंड गाइज जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉलो करना है, नहीं तो आपसे अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो आप अलग सर्वर की आईडी को ओपन नहीं कर पाओगे। तो गाइज अलग सर्वर की आईडी को ओपन करने के लिए आपको गेम के होम पेज पर आ जाना है। एंड जो फ्री फायर में सेटिंग वाला ऑप्शन है उस पर जाने के बाद में लैंग्वेज आपको वो वाला सेलेक्ट कर लेना है जिस सर्वर की आप आईडी को बनाना चाह रहे हो, यानी कि इंडोनेशिया सर्वर की अगर आपको आईडी बनानी है तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया सर्वर की आईडी का लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो गाइज मेरे को यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर की आईडी को ओपन करना है इसलिए मैंने यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर की लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको कोई दूसरे सर्वर की आईडी को ओपन करना है तो आपको वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। एंड गाइज जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म कर देते हो तो आपको गेम को दोबारा से कट करके चलाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपना गेम कट करके दोबारा से चला दिया है एंड अपनी आईडी को यहाँ पे लॉग आउट कर दिया। एंड गाइज अभी आपको वो वाला अकाउंट ओपन करना है जिससे आपका पहले से अकाउंट विंड नहीं है, यानी कि आपको वो वाला अकाउंट से सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे गेस्ट अकाउंट ले सकते हो, यहाँ पे जीमेल अकाउंट ले सकते हो जिससे आपने पहले फ्री फायर नहीं बना रखा। मैं यहाँ पे जो अपना गूगल अकाउंट ले लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपको 1% गलती नहीं करनी, आपको वही वाला अकाउंट ओपन करना है जिससे आपका फ्री फायर पहले से विंड नहीं है। एंड गाइज जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें भी आपको 1% गलती नहीं करनी है, जो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो कर देना है। एंड गाइज जैसे आप ये सब कर ले तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये तीनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी मर्जी हो। वो सेलेक्ट करने के बाद में आपका नेम सेलेक्ट करने का आएगा, आप जो भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं यहाँ पे जो नाम पहले आया था वही रख दिया है। एंड गाइज नेम रखने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड गाइज उसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पे 3 कंट्रीज आ जाएगी, इनमें से आपको जिस भी सर्वर की आईडी ओपन करनी है उस पर क्लिक करके कंफर्म कर देना। यहाँ पे मैं जो है इंडोनेशिया सर्वर की पहले मैंने अकाउंट बना रखा है इसलिए गाइज मैं यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप इंडोनेशिया भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज मेरा तो यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर पहले बन रहा है इसलिए मैं जो यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट करना चाहूंगा। एंड गाइज सिंगापुर सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे कन्फर्म वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। एंड गाइज जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देते हो उसके बाद में ओके करके यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देना एंड आपका जो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर आप सभी लोग इस गेम को खेल भी सकते हो या फिर बैक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो है सिंपल सा गेम को बैक करना चाहूंगा क्योंकि गाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। एंड गाइज जैसे आप बैक कर लोगे उसके बाद में आपका जो अकाउंट जिस भी सर्वर से आप सेलेक्ट करके बनाओगे वो सर्वर का अकाउंट बन जाएगा। गाइज मैंने यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट किया था तो मेरा सिंगापुर का अकाउंट यहाँ पे बन चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरा जो सिंगापुर का अकाउंट बन चुका है। एंड आप जो भी सर्वर का अकाउंट बनाना चाहते हो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप बना सकते हो। एंड गाइज आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अलग इंडियन सर्वर से काफ़ी ज़्यादा अलग इवेंट्स चल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आप सभी लोग जो अलग इवेंट्स भी चेक कर पाएंगे एंड यहाँ पर चेक करने के साथ साथ में अगर आप एक यूट्यूबर हो तो वीडियो भी आप बना सकते हो न्यू इवेंट्स के ऊपर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइज जाते जाते अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।